हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो सारे के सारे। तो भाई आज हमारे पास खड़ी है अपनी बलेनो डेल्टा, जो कि भाई अपना आपको दिख रही होगी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वगैरह, जैसे अपने 18 इंच एलॉय हो गए। बाकी आपको बताऊंगा, सारी चीज़ बताऊंगा, अंदर इंटीरियर में भी काम हो रखा है। और बाकी भाई एक बार कमेंट करके बताना, आप कमेंट नहीं करते हो कि गाड़ी कैसी लग रही है कैसी नहीं। बाकी बुलाते हैं एक बार अपने ओनर को और करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। लेट्स भाई गो। और तो क्या चल रहा है आजकल फिलहाल? अभी तो फिलहाल चल रहा है बस। अच्छा। गाड़ी में काम कराने की सोच रहे हैं, मगर आपने पहले ही बुला लिया। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी दिखाएंगे। पहले भाई बात करते हैं, सबसे पहले अपनी गाड़ी मॉडल कौन सा होने वाली है? ये भाई 2022 का जनवरी मॉडल है। अच्छा, 2022 का जनवरी मॉडल। मार्च में दूसरी वाली आ गई थी। अच्छा, ये डेल्टा है ना? ये डेल्टा है। ये टॉप से एक नीचे वाली। अच्छा, टॉप से एक नीचे वाली। ऊपर एक डेल्टा आती है, जेटा आती है और फिर अल्फा आती है। अच्छा, अल्फा में सब चीज ऑटोमेटिक होती है। बाकी ये डेल्टा मॉडल है, बेस से एक ऊपर वाला। अच्छा, बेस से एक ऊपर वाली। तो भाई जैसे कि इसमें मेरे को दिख रहे हैं सबसे पहले एलॉय, तो अपने कितने इंच होने वाले हैं? वैसे मेरे को 18 इंच इसमें साइज जो है बताया था, 18 इंच। लो प्रोफाइल टायर है इसमें। और बाकी मैं एक बार टायर प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। योकामा के भाई टायर है, देख लो। और भाई ने लाइटिंग वगैरह भी करवा रखी है भाई इसमें, इस पर तो मैंने अभी ध्यान दिया है। तो बड़ा ढूंढने के बाद भाई साइज मिल गया, ये रहा साइड में। ये अपना 225/40R18। तो भाई 18 इंच के अपने एलॉय होने वाले हैं। और भाई कौन सी कंपनी के? ये भाई कंपनी तो पता नहीं, मगर उन्होंने जब पसंद आए थे तो मैंने डलवा दिए। प्लाटी के है। अच्छा, प्लाटी के नहीं है, स्टीलियो। अच्छा, स्टीलियो। अच्छा, तो ये कितने के पड़े थे, क्या कॉस्टिंग वगैरह क्या आई थी? पड़े थे उस टाइम पे 75,000 रुपए के विद टायर। 75,000 रुपए के विद टायर 18 इंच, क्योंकि ये मतलब जो स्टार वाले आते हैं ना, हाँ, तो बहुत ज्यादा कॉमन थे और वो 17 इंच में मिल जा रहे थे 42,000-43,000 रुपए में। तो कितने दिन हो गए इसे लगवाए हुए? इसे भाई एक साल होने वाला होगा। अच्छा, गाड़ी के साथ की है ये भी? हाँ, गाड़ी के मतलब मुश्किल से मुश्किल मैंने 5,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, उसके बाद डलवा दिया। अच्छा, उसके बाद ही डलवा दिए थे। अच्छा, मैंने एक और चीज सुनी है भाई, आपने इनका इंश्योरेंस करवा रखा? हाँ भाई, इंश्योरेंस करवा रखा। जब ये साथ के साथ कराया था या मतलब नहीं, जैसे रिन्यू कराई थी ना मैंने इसके इंश्योरेंस गाड़ी का, हाँ हाँ, तब मैंने एलॉय का भी इंश्योरेंस करा दिया था उसके साथ साथ ही। हाँ, तो ऐसा हो जाता है? हाँ बिल्कुल हो जाता भाई। अच्छा, मैं क्योंकि पहली बार सुन रहा हूं, जो मतलब रिलेटिव मेरी ग्वाली है वो इंश्योरेंस मैनेजर है। अच्छा अच्छा, मतलब जितनी भी एक्सेसरीज एडवांस कराई थी ना, मैंने वो सब चीज इंश्योरेंस में एडवांस कराई थी। थोड़ा सा महंगा हुआ था, मगर मेरे को आगे के लिए मतलब सेटिस्फाई हो गए। हां, ये है कि भाई अगर गाड़ी कहीं पे लग जाती है, एलॉय वगैरह भी अगर अपने डैमेज हो जाते हैं, तो भाई नए एलॉय भाई को मिल जाएंगे या पैसे मिल जाएंगे? उसके 50,000 रुपीस मेरे को मिलेंगे। कुछ ऐसे अपनी वीडियो के बीच में कोई नहीं, मैं बीप कर दूंगा भाई इसे। तो बात करते हैं भाई सबसे पहले फ्रंट की तरफ। तो जैसे कि आपको दिख रही होगी भाई, पूरी गाड़ी अपनी स्टॉक है, नॉर्मल दिख रही होगी। बाकी भाई इसमें एलईडी वगैरह तो मेरे हिसाब से शायद आती है, ये कंपनी की है, है ना? डीआरएल और एलईडी वगैरह भाई इसमें कंपनी फिटेड है। और नीचे भाई ने थोड़ा सा बस फॉग लैंप में काम करा रखा, भाई क्या करवा रखा है ये और बता दो। फॉग लैंप डलवाए हुए मैंने, उसके अंदर मैंने व्हाइट वाली लाइट लगाई है। अच्छा, व्हाइट वाली एलईडी है कौन सी? एलईडी। अच्छा, कितना मतलब फोकस काफी अच्छा है, नाइट में बढ़िया मजा आ जाता है। मतलब ऐसे इतनी खास वो नहीं है प्रोजेक्टर वाली, मगर इतनी नॉर्मल है कि अच्छा खासा कर देती है। अच्छा, काम कर देती है बढ़िया, मतलब लाइटिंग के साथ लुक हो जाए बस। अच्छा, हेडलाइट ऊपर वाले इतने प्रोजेक्टर हाई वाले हैं भाई, जो फॉर्च्यूनर देती है ना, उसके बाद सेकंड नंबर पे इसके हैं प्रोजेक्टर हाई वाले। अच्छा भाई, तो भाई उसके साथ तो मतलब गजब लुक देती होगी। बाकी मैं एक बार आपको दिखा भी दूंगा और आपने देखी भी होगी भाई, जो बलेनो लवर है उन्हें तो पता ही होगी इसके बारे में। बाकी चलते हैं भाई एक बार अपने बैग की तरफ। भाई बैग में कुछ करा रखा? बैग में मैंने रिफ्लेक्टर डलाए हुए हैं। अच्छा, रिफ्लेक्टर। तो ज्यादातर अपनी गाड़ी भाई स्टॉक है और ये क्रोमिंग वर्क मतलब की कंपनी से? कंपनी से ही। अच्छा, 10-12,000 रुपए स्टैंप पे एडवांस करके कंपनी से सामान डला था। ये हो गया, डिग्गी की क्रोम हो गई। अच्छा अच्छा, क्रोम गार्निश हो ये गई। कंपनी देती नहीं है ये? नहीं देती, वो मतलब एक्सेसरीज में ऐड कर देते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, ये मैंने वो स्मोक कराए हुए हैं। अच्छा हाँ, हल्के हल्के भाई स्मोक आपको दिख रही होगी, टेल लाइट छुटा दी। तो टेल लाइट हल्की सी स्मोक करा रखी है भाई ने। बाकी आप देख लो एक बार भाई, क्या शानदार लुक आ रहा साइड से, देखो एक बार चेकआउट करो। और बाकी भाई एक बार इसके रिफ्लेक्टर्स वगैरह जो है ऑन करके दिखा दो मुझे। हाँ, ये भाई ने एप्पल का फोन लिया था इसलिए एप्पल का स्टिकर चिपकवा दिया यहाँ उसके। तो भाई ऐसे कुछ अपने रिफ्लेक्टर होने वाले। अच्छा भाई, इसकी कॉस्टिंग क्या आई थी? रिफ्लेक्टर भाई ऐसे डले थे 600-700 रुपए के दोनों। अच्छा, 600-700 रुपए की। बाकी सिस्टम वगैरह में भी कुछ काम करा रखा है? डलवाया हुआ मैंने, मगर अभी ना बीच में क्या हुआ था, हाँ, मतलब फैमिली के साथ गया हुआ था, बहुत सारा लगेज रख दिया फैमिली, हाँ, वालों ने, हाँ, हाँ, तो इन्होंने ये सब तार वगैरह निकाल दिए, सोनी का लगा हुआ है।
अच्छा अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी बजा के देख लेंगे इसे एक बार। और ये अपना कुछ भाई क्या है मतलब 1800 वाट का सोनी एक्सप्लोड है। अच्छा अच्छा बेस वूफर। और बाकी भाई ने यहाँ पे स्पीकर अपने एड ऑन करवा रखे हैं। बस फैमिली के साथ गए थे ना तो सारा सामान टूट गया था। अच्छा अच्छा मैंने भी सेट नहीं कराया दोबारा। कोई दिक्कत नहीं भाई, एक बार मैं आपको इसकी साउंड। और अच्छा भाई एक चीज बताओ, जो इसके अंदर मतलब गेट वगैरह में जो स्पीकर आते हैं वो वही है चेंज करवा रखे? नहीं, गेट वाले स्पीकर भाई बहुत अच्छे देती है कंपनी। अच्छा चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती? चेंज कराने की जरूरत नहीं, मगर उसके बाद मैंने आगे वो डला दिए थे इन्फिनिटी के। अच्छा 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 इन्फिनिटी के मतलब ये पीछे वाले वो है ट्विटर वगैरह? हाँ ट्विटर डला दिए थे। हाँ हाँ और पीछे मतलब वोकल्स डला दिए थे। अच्छा अच्छा वोकल्स। चलो तो भाई एक बार चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर से दिखाता हूँ गाड़ी का क्या नजारा। बाकी एक बार आप लाइट वगैरह चेकआउट कर लो, भाई ने इसमें लाइटिंग वगैरह करवा रखी है। और ये दो तरीके में जलती है, एक अपना हल्का सा रेड टाइप में और एक भाई अपनी वाइट। बिल्कुल। तो भाई ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के साथ है ना काम करती है, आपको दिख रहा होगा। बाकी नाइट में जो व्यू आता है ना इसका एकदम लाजवाब वाला, मैं एक बार आपको साइड स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा। बाकी चलते हैं एक बार गाड़ी के अंदर। ये फाइनली आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिख रहा होगा भाई इनबिल्ट लाइट वगैरह अपनी साइडों में। तो भाई सबसे पहले पुनीत भाई एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये लाइटिंग वगैरह का क्या सिस्टम था, मतलब कैसे लगवाई थी, कहाँ से लगवाई थी, क्या सीन होता है इसका? हमारे विजयनगर मतलब पहले मैंने करोल बाग गया था। अच्छा अच्छा। करोल बाग में मतलब सबसे पूछा। हाँ हाँ। तो किसी को आती थी किसी को नहीं आती, मतलब ऐसे ही वो बता रहे थे। और वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रेट बताते हैं भाई। अच्छा जी। क्योंकि वहाँ पे अब ये K3 K4 वाला सीन आने लगा, वो रनिंग करती है लाइट। हाँ हाँ हाँ। तो वो अभी आए जब मैंने लगवाया था जब खाली, फिर M8 लाइट थी। अच्छा नॉर्मल वाली, ये चेंज नहीं होती, एक ही कलर की होती है? नहीं नहीं चेंज होती है, इसमें रिमोट है। अच्छा अच्छा रिमोट, रिमोट अंदर रखा हुआ है। अच्छा। पर मेरे को पर्सनली यही पसंद है क्योंकि ये ना आंखों में चुभती नहीं है, जब मैंने लगाई थी ना तो रेड और ब्लू कलर ना बहुत ज्यादा आंखों में चुभता है, एक्सीडेंट होने से डर रहता है उसका। हां तो ये तो है। तो मैंने ये लगवाई थी अपने यहीं से विजयनगर से। तो उसका इसका प्राइस बताया था उन्होंने 2500 रुपए के आसपास। अच्छा। मगर मैं उनसे काम कराता रहता हूँ तो उन्होंने 1800-1900 समथिंग लगाई थी। अच्छा तो 1900 रुपए में तो भाई कोई बुरी नहीं है, वो भी फिटिंग के साथ। हाँ, फिटिंग के है ना। और खुद लगाने पड़ता तो भाई थोड़ी सी भाई दिक्कत आ जाती है, सब चीज खोलनी पड़ती है ना। हाँ यही तो बात है। तो बाकी भाई ये छोटी छोटा काम जो है आप करवा सकते हो। बाकी आपको फ्रंट पे भाई दिख रहे होंगे, भाई ने लगवा रखे हैं दोनों तरफ। और हाँ म्यूजिक वगैरह एक बार मैं आपको सुना दूंगा। बाकी भाई इसमें कंपनी सब चीज देती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा भाई मीटर वगैरह अपना, ऊपर से अपना स्टीरियो वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है, फिर क्लाइमेट कंट्रोल अपना ऑटोमेटिक वाला, और यहाँ पे भाई स्टेयरिंग माउंट वगैरह अपने मिल जाते हैं, पावर विंडो सारी मिल जाती हैं। तो भाई कुछ चीज कंपनी छोड़ती नहीं है कि कुछ करा लो। नहीं नहीं ये आपको मतलब डेल्टा मॉडल में फुली सेटिस्फाई करके देते हैं लोग। हाँ अच्छा आपको। हाँ और ये भी टच है इसमें, मतलब अगर आपको देखो मैं। हाँ ये तो आजकल स्विफ्ट वगैरह में भी आ रही है, सेम ही आ रही है सब में, है ना। तो भाई एक चीज बताओ मुझे, इसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या पड़ी थी अपनी गाड़ी की जिस टाइम पे भाई मैंने ली थी? मेरे को ही पड़ी थी क्योंकि नया वाला मॉडल अपकमिंग था। हाँ हाँ। तो मैंने डीलर से पूछा कि न्यू बलेनो आने वाली है, उसका कुछ आइडिया? तो वो बताते नहीं क्योंकि उन्हें अपना पुराना माल बेचना होता। हाँ 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 हाँ। तो मैंने उनसे जब बात करी तो मुझे उन्होंने ये 8-10 की थी उस टाइम, उन्होंने मुझे मतलब बहुत अच्छे डिस्काउंट पे दे दी। तो मैंने सोचा अभी नेक्स्ट वाले का तो पता नहीं, तो ये मेरे को 7,72,000 रुपए की पड़ी थी। अच्छा 7,72,000 रुपए की कैश कैश ली थी। तो भाई 7 लाख के हिसाब से तो मेरे हिसाब से भाई बढ़ते हैं भाई, बहुत वर्थ है मेरे को, बढ़िया लगी। और जो अब वाली बलेनो आई है ना वो 8+ है। 8+ है और उसमें ये भी पेट्रोल में होगी भाई। हाँ हाँ। और उसमें रियर वाइपर में कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा कर दी, जो अब वाली डेल्टा आई है वाइपर हटा दिया बाकी, और फॉग लैंप में जो हेलोजन लैंप है ना प्रोजेक्टर में हेलोजन डाल दिया है। अच्छा नहीं अच्छा प्रोजेक्टर नहीं दिए व्हाइट वाले, बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग है उसमें। ये बात। तो भाई जैसे कि कितनी चला दी अपनी गाड़ी आपने? ये भाई मेरी चल गई है 27,000। अच्छा 27,000 के करीब किलोमीटर चल गई है। हाँ। और अभी तक कोई मतलब कि एलॉय वगैरह में कोई दिक्कत वगैरह आई हो जैसा लग जाती है, कहते हैं कि टायर कट गया? मेरे एलॉय भाई इतनी सी भी दिक्कत नहीं आई, मैं कह रहा हूँ मैं हर जगह घूमा, पंचर तक नहीं हुआ। पर हाँ ऐसा खूब हुआ है कि डिवाइडर पे चढ़ा दी अंधेरे में। मैं वहाँ पे वीडियो बना रहा था वैनिश मॉल पे। हाँ। मैंने ध्यान नहीं दिया वो पूरी डिवाइडर पे चढ़ गई थी, मैंने बहुत तेज आवाज आई, मैंने चेक करा एलॉय में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा तो भाई ये इंश्योरेंस का भी तो फायदा, फिर इंश्योरेंस का भी फायदा क्या रहेगा? निकला हुआ है कि साले टूट जाएंगे तो नहीं चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई एवरेज क्या दे रही है अपनी? एवरेज ये दे रही है भाई मेरी वैसे 14-15 के देती है। अच्छा 14-15 निकाल देती है। हाँ, पेट्रोल में अभी 16.3 का चल रहा है भाई, आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ।
16.3 के हिसाब से भाई एवरेज वगैरह और गाड़ी का लुक दोनों चीज एकदम लाजवाब है। अगर रेस ड्राइविंग करो तो भाई इतना ही देती है 13-14। अच्छा 13-14 ही देगी, ये तो प्यार से चलाने वाली। अच्छा बाकी भाई एलॉय पढ़वाने चाहिए या नहीं, ये चीज मैं सबसे पूछता हूँ आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ। तो भाई हल्का फुल्का तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, ना तो भाई चलाओ अपने स्टॉक टायर पे, क्या दिक्कत है कहीं भी कुदाओ। मगर देखो चीजें तो स्टॉक टायर के भी रिम्स मुड़ जाते हैं अगर अब तुम ज्यादा कह रहे हो ज्यादा गड्ढे में। हाँ। मगर मेरे भी मतलब ऑन रोड पे कई बार गड्ढे में गई है तो मेरे को तो ऐसा कोई मतलब हुआ नहीं है कि चलो कोई बड़ा, ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो भाई अभी तक जैसे गाड़ी में इतना सारा काम करा रखा, जैसे एनबेल्ट लाइट हो गई, बाहर अपना थोड़ा सा काम करा रखा है, सीट कवर भी एलॉय, सीट कवर वगैरह मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ भाई, सीट कवर अपने कुछ ऐसे ही भाई ने करवा रखे हैं। बाकी भाई मतलब टोटल कॉस्टिंग गाड़ी में अगर पूछे मॉडिफिकेशन की तो कितनी आ गई अपनी नॉर्मल भाई, वैसे मैंने एलॉय वगैरह जब टोटल मेरे 1.5 लाख के आसपास हो गया था। अच्छा टोटल 1.5 लाख के आसपास, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस भी है। इंश्योरेंस अलग है भाई। अच्छा इंश्योरेंस अलग है, इंश्योरेंस तो अलग है, इंश्योरेंस तो मेरा वैसे अलग चीज है, वो तो रिन्यू होता ही होता है हर साल। वो तो अलग है, मैं वैसे बता रहा हूँ जो जो चीजें मैंने कराई थी। अच्छा, जो मैंने साउंड लगाया था ना, साउंड की मेरी जो बेस बॉक्स थी मेरी अप्रोक्स ऐसी पड़ी थी 15-16 हजार रुपए की। अच्छा बेस बॉक्स जो और 1000-1200 रुपए के पीछे के वोकल्स थे और 800-900 रुपए के ये दोनों थे। अच्छा और फिर एम्प था मेरा 4000 रुपए का। तो चलो भाई एक बार आपको म्यूजिक एंजॉय कराता हूँ तो देखो जरा। कमेंट करके जरूर बताना, बाकी भाई जिस हिसाब से भाई ने काम करा रखा उस हिसाब से भाई बढ़ता है। अच्छा म्यूजिक में भाई कितना पैसा लग गया था? म्यूजिक में मेरा टोटल 15-16 बस। अच्छा ये नॉर्मल मतलब इतना करना था कि हाँ म्यूजिक गाड़ी में है, मतलब सब बोलते ना भाई साउंड हमारा का नहीं भाई ठीक ठाक है, अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है, इतना होना चाहिए। बाकी न्यू अपडेट दूंगा आपको, स्पॉइलर लगवाना है और गाड़ी के स्प्लिटर वगैरह लगवाने हैं, स्प्लिटर किट लगवाऊंगा और बैक वाले गेट पे मतलब उस पे वो करानी है क्या कहते हैं स्टिकर वगैरह, स्टिकर रैप करा देंगे। अच्छा अच्छा, उसके बाद मतलब गाड़ी सॉलिड दिखेगी थोड़ी बनने वाली। तो भाई तब तक के लिए भाई थोड़ा सा वेट करो, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई अपना बाय बाय।